देखिए सरकार का हम बहुत मशहूर हैं, उन्होंने इंतज़ाम बहुत अच्छा किया है, एक अच्छा अस्पताल यहाँ पे भी छोटा सा है, और इसमें सिर्फ कमी जो है हमें ये लगता है कि इसमें नर्सिंग स्टाफ की कमी है और दूसरे स्टाफ की भी कमी है, जो मैं समझता हूँ जो यहाँ पे BMO साहब हैं इंचार्ज हैं वो इनके सामने रखेंगे। और मैं समझता हूँ इसके बजाय कि हम अस्पतालों से नर्सों को निकालें, हमें काफ़ी नर्सें जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और 2 महीने के लिए उनको टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं इंजेक्टर, एक उनको भी रोज़गार मिलेगा और इन अस्पतालों में भी हमारे जो यात्री हैं उनकी सुविधा होगी। इसके लिए हम ज़रूर हुकूमत से लिखेंगे, उनसे कहेंगे इस चीज़ की तरफ तवज्जो। देशवासियों के यात्रियों के लिए क्या मैसेज है? ये यात्री आएंगे वो यहाँ से प्यार की मैसेज ले जाना चाहिए, उन्हें ये ले जाना चाहिए मैसेज कि ये वतन हम सबका है, वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख ईसाई हो जो भी है हम सब के लिए बराबर है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, ये हमारा आईन जो है ये साबित है। कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज है? हर वक्त रही है पहले यहाँ, आज भी यात्रियों की सुविधा कौन करता है? यहाँ का मुसलमान रहने वाला जो है वही इनका सामान वगैरह इनकी तवज्जो देखता है, तो ये तो पहले से चल रहा है। मैं कभी ये नफरत नहीं रही और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये इसी प्यार की मैसेज को यहाँ से ले जाएंगे। क्या जम्मू तो कोई तवक्का है कि वो ऐलान करेंगे इलेक्शन के बाद? मैं यहाँ यात्रियों को देखने आया हूँ, मैं अरेंजमेंट से आप संतुष्ट हैं जो यात्री